नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शाहिन खान। हमने एक नया एपिसोड जारी किया है, नया एपिसोड शुरू किया है चिकित्सकों को लेकर, डॉक्टरों को लेकर, एक हेलो डॉक्टर। हाँ, ये पहले भी हमने आप सबकी सेवाएं में शुरू किया था, बीच में किन्हीं कारणों से हमने रोका और फिर से एक बार सभी शहरवासियों को किस तरह के रोग होते हैं, उनके इलाज क्या है और कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए, इसे लेकर हेलो डॉक्टर एपिसोड शुरू किया है। और आज इस नए एपिसोड के पहले दिन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष पी दुधे। जी हाँ, ये बीएमसा हॉस्पिटल में अभी सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान में इन्हें एमडी मेडिसिन, डीएनबी गैस्ट्रोलॉजिस्ट, पेट आंत एवं एंडोस्कोपी विशेषज्ञ हैं। तो हम सर से जानना चाहेंगे पेट संबंधी क्या क्या रोग हैं और उसके उपचार किस तरह है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद, थैंक यू। और पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं, ये बेसिकली जो रिलेटेड होता है लीवर से और पैंक्रियाज से और छोटी आंत से और बड़ी आंत से, ये चार जो मैंने बताया नाम, इनसे पेट से संबंधित कोई भी आपको बीमारी हो सकता है। जैसे पेट में दर्द हो सकता है, पेट में जलन हो सकता है, खाने के बाद पेट फूलना या फिर खून की उल्टी होना या शौच में आपका खून जाना, पेट फूल जाना, लैट्रिन शौच बंद हो जाना, ये सब चीज़ें आपकी पेट से रिलेटेड होती है। तो ये सब चीज़ों का जो ट्रीटमेंट है हम यहाँ पे अभी शुरू कर रहे हैं। और दूसरा ये कि लीवर से संबंधित जो बीमारियाँ हैं अभी बहुत बढ़ गई है। इसका जो कारण है मेन जो है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और अल्कोहल। अल्कोहल से बहुत ज़्यादा लीवर की समस्या बढ़ गई है और इसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस होने लगे हैं, जैसे खून की उल्टी बार बार होना, शौच में खून आना और आपका पैंक्रियाज में भी उससे प्रॉब्लम होता है। पैंक्रियाज में क्या होता है, पैंक्रियाज में सूजन आ जाती है, उसको बीमारी बोलते हैं हम लोग पैंक्रियाटाइटिस। ये क्या होता है, ये अल्कोहल की वजह से दो ऑर्गन जो है हमारे लीवर और पैंक्रियाज दोनों पे बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो मेरी आप सबसे यही विनती रहेगी कि आप अल्कोहल का सेवन ना करें। और जो बीमारी है छोटी आंत की, बड़ी आंत की, बेसिकली इसमें जो सबसे ज़्यादा बीमारी होती है ये होता है कि आपका इन्फेक्टिव जो होता है, इन्फेक्शन होता है, डायरिया होना बार बार। और इसकी जो दो बीमारियां मेन है, एक क्रॉन्स डिसीज होता है और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। और पैंक्रियाज में जो मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो पैंक्रियाटाइटिस होता है। उसमें भी ज़्यादातर आपका जो लक्षण होता है पेट में दर्द होना सबसे कॉमन होता है। पेट में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, उसको पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। और उसका जो कारण है वो अल्कोहल और स्मोकिंग सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सर, आपने कलकत्ता से आपने अपनी पढ़ाई की है और वहाँ से मेडिकल डिग्री ली है और अभी यहाँ वर्तमान में बीएमसा हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं। पेट संबंधी ऐसी कौन सी बीमारियाँ होती है जिनसे बचना चाहिए लोगों को, क्योंकि एक पेट एक ऐसा हमारा ऑर्गन तत्व है कि वहीं से ही बढ़ करके और बीमारियाँ पनपती है, तो खान पान कैसा होना चाहिए? देखिए, खान पान में बेसिकली हमने जो सबसे कॉमन है, ये सब जो कॉमन पीपल को पता भी होता है कि जो अवॉइड, मतलब हमको जो नहीं खाना चाहिए जंक फूड्स, जैसे मैगी हो गया, नूडल्स हो गया और जो आपका जो भी तली हुई चीज़ें ज़्यादा हैं, ऑयल ज़्यादा खाना है ना, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और इसमें लेना क्या है, आपको हरे सब्जियों का सेवन करना चाहिए, फल फ्रूट्स खाने चाहिए और दूसरा कम तेल वाली चीज़ों को प्रेफर करना चाहिए। और घर में भी आप जो तेल यूज़ करते हैं उसमें आपको अल्टरनेटली सनफ्लावर, राइस ब्रान, ये अल्टरनेटली करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो सनफ्लावर में जो कम होती है, राइस ब्रान में ज़्यादा होती है, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट टू इच अदर करते हैं। तो आपको तेल भी जो घर में अल्टरनेटली यूज़ करना चाहिए। तो मैंने दो एग्जांपल बताया, सनफ्लावर और राइस ब्रान और भी हैं, तो ये आपको अल्टरनेटली घर में यूज़ करना चाहिए। सर, अभी आपने बताया अल्कोहल यूज़ नहीं करना चाहिए, ये किस तरह प्रभाव डालता है पेट संबंधी रोगों के लिए और इससे कैसे बचना चाहिए? देखिए, अल्कोहल के जो प्रभाव है सबसे पहले आता है आपका पेट पे, वो गैस्ट्राइटिस के तौर पे रह सकता है, पेट में छाले हो सकते हैं। और दूसरा होता है लीवर पे। लीवर से क्या होता है कि लीवर में जो पहला स्टेज आता है फैटी लीवर होता है अल्कोहल से, उसके बाद में वो फाइब्रोसिस होता है, मतलब उसके ऊपर परत जमा हो जाती है, उसके बाद में फिर सिरोटिक जो लास्ट स्टेज होता है सिरोसिस, उसके वजह से फिर बाकी के कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने बताया, खून की उल्टी होना और मतलब किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं, उल्टा सीधा बात करना, पेट में पानी आना, पीलिया होना, पैर फूल जाना, ये सब जो है अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिसीज में आता है। अल्कोहल से एक तो पेट में गैस्ट्राइटिस हो सकता है, छाले पड़ सकते हैं, लीवर में जो मैंने बताया भी ये सब हो सकता है, और तीसरा पैंक्रियाज को भी डैमेज करता है, पैंक्रियाज में एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस करवा सकता है और धीरे धीरे वो पैंक्रियाज ऑर्गन को ख़त्म कर देता है, क्योंकि पैंक्रियाज ही ऐसा ऑर्गन है हमारा जिससे
जो हमारे जो एंजाइम्स निकलते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं, अगर वो आपका डैमेज हो जाएगा तो खाने का पाचन जो शक्ति खत्म हो जाएगी। लीवर की समस्या जैसे लोगों को होती है, लीवर के लिए जैसे लीवर जैसे बदली कराने वाला भी एक प्रोसेस होता है, ऐसा हम लोगों में ये भ्रांति है कि ये बहुत महंगा खर्च होता है, आमतौर पर एक सामान्य परिवार इसके लिए कैपेबल नहीं होता है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे परिवार के लिए, ऐसा पेशेंट जिनको ये ज़रूरत है? देखिए अभी तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन जो है इतना अभी हम कॉमन नहीं, हमारे जैसे शहरों में जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, जो छोटे छोटे शहर हैं यहाँ पे अभी इतना नहीं कॉमन हुआ है, और इसका खर्चा भी सही में काफ़ी होता है, क्योंकि सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट का नहीं होता, उसमें लीवर आपको पहले ढूंढना होता है उस एज के उस क्वांटिटी का, जैसे किसी को यहाँ पे एक लीवर चाहिए तो उसको एक यूनोस होता है, एक नेटवर्क शेयरिंग होता है यूनाइटेड नेशन का, उसमें आपको रजिस्टर करना होता है, फिर आपको लीवर मिलेगा। लीवर सपोज हमने सर्जरी यहाँ रायपुर में प्लान की है तो आपको सर्जिकल जो सर्जरी वाले हैं उनको भी प्लान करना पड़ता है, अब लीवर लगा दोगे उसके बाद फिर जो हमारा मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है उसके बाद लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी उसकी बहुत खर्चा होता है, क्योंकि दवाइयाँ कंटिन्यूस उसका लाइफ टाइम चलते रहेगा, इम्यूनोसप्रेशन स्टीरॉइड्स चलता है, फिर और भी दवाइयाँ हैं जो कंटिन्यू चलते रहेगी उनकी, और उसके भी बहुत कॉम्प्लिकेशन, इतना वो मतलब इजी सर्जरी नहीं है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, 10 से 12 घंटे वो सर्जरी चलती है, तो ऑब्वियसली बात इतना लंबा है, आप लीवर एक बड़ा ऑर्गन जो मतलब हमारे शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, आप उसको निकाल के दूसरा लीवर लगाओगे तो दिक्कत होती है, तो खर्चा भी बहुत है लीवर ट्रांसप्लांटेशन का, अराउंड जो भी है मतलब 30 से 50 लाख वेरी करता है। सर आप भीम शाह हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अभी आपने किडनी जो लीवर ट्रांसप्लांट का बताया था तो यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अभी आप वर्तमान में सेवाएं यहाँ दे रहे हैं तो किस तरह के पेशेंट यहाँ आते हैं ज़्यादातर? अभी यहाँ पे तो जो मैंने अभी ज्वाइन करने के बाद में देखा है, जनरली जो सिरोसिस बताया मैंने, जो शराब का सेवन करते हैं और लीवर पर डैमेज होता है, अभी मेरे अंदर और 2-3 पेशेंट एडमिट है जो पैंक्रियाटाइटिस, ये भी शराब के सेवन की वजह से पैंक्रियाटाइटिस हुआ है, ये एडमिट है अभी फिलहाल, और बाकी जो ओपीडी में आते हैं वो बेसिकली पेट में गैस हो रहा है, पेट फूल जा रहा है, या कुछ एंडोस्कोपीज की है तो उसमें आपको अल्सर मिला है, तो अभी फिलहाल में तो ये पेशेंट आ रहे हैं सर। आने वाले 13 तारीख से 18 तारीख तक के एक शिविर निःशुल्क लगाया जा रहा है और उसमें आप अपनी सेवाएं देंगे, और इस ये किस तरह का शिविर है, क्योंकि ये निःशुल्क परामर्श तो इसमें दी जाएगी और प्लस बताया भी गया है कि 50% डिस्काउंट है सभी प्रकार के जांचों में, तो क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों? मैं शहरवासियों से यही अपील करूंगा, ये निःशुल्क शिविर है, इसमें ओपीडी आपका फ्री है, और जो उसके साथ भी इन्वेस्टिगेशन होगा जैसे सोनोग्राफी होगा या लीवर फंक्शन टेस्ट होगा या फिर हीमोग्राम होगा, हीमोग्लोबिन की जाँच होगी, ये सब आपको 50% डिस्काउंट में मिलेगा, और साथ में एंडोस्कोपी की भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, बस एंडोस्कोपी कराने के पहले आपको खाली पेट आना होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेट संबंधी रोगों के बारे में बताया, उसके उपाय भी बताए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशीष पी दूधे, जी हाँ ये MD मेडिसिन DNB गैस्ट्रोलॉजिस्ट पेट आंत और एंडोस्कोपी विशेषज्ञ हैं, इन्होंने बताया कि पेट संबंधी किस तरह के रोग हैं, उनसे किस तरह बचना है, साथ ही इन्होंने बताया 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक एक निःशुल्क यहाँ पर शिविर लगाया जा रहा है जिसमें निःशुल्क परामर्श दिए जाएंगे, साथ ही 50% डिस्काउंट है सभी प्रकार के जाँच में, तो शहरवासियों से अपील करना चाहूंगी कि आप सभी इस शिविर का लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा तादाद पहुंचकर इस शिविर का लाभ उठाएं। नमस्कार।